तू सो रहा है कि नहीं सो रहा है? समझ गया था तुझे एक बार में, बोलते रहता बोलता रहता बोलता रहता। क्या बोले? चुप चुप रहो, मेरा चल रहा मुंह तोड़ने समझ ले लो, चुप रहो। नमस्ते महाशय। Are you listening? Damn. हेलो, हाँ जी कालका जी थाने से बोल रहे हैं सर। बाबूजी आप पुलिस को क्यों तो बैठे रहो बोल दिया ना। हाँ जी मुझे कंप्लेन लिखवानी है सर, मैं सैनी साहब बोल रहा हूँ भल्ला निवास से। हाँ जी वो मेरी नौकरानी मेरे पोते को मार रही थी सर, आप भेज दो फटाफट किसी को। बाबूजी आप पुलिस को क्यों बुला रहे हो? पुलिस मत बुलाओ। तो किसको बुलाऊं? तुम जैसे लोगों के लिए पुलिस ही ठीक है। बाबूजी मैं तो बाबा को कितना प्यार करती हूँ, अपने बच्चों जैसा रखती हूँ। अपने बच्चों को भी ऐसी हवा में उछालते हो क्या तुम फुटबॉल की तरह? खुद को जोंटी रोड समझती हो तुम? कैच छूट जाती तो पता क्या होता, बैठे बिठाए सैनी साहब के खानदान के वंश के बल्ले फूट जाते गिरते ही। पर बाबूजी पिछले दिसंबर जब आपके गोडों में पानी भर गया था कितनी सेवा की है हम आपकी, और उस सेवा के बदले में मेरे कुर्ते की जेब से जो 100-100 रुपए के नोट उड़ा रही थी तुम क्या सोच रही हो? सैनी साहब अंधे? मैंने बोला था अपने बहू बेटे को बच्चा खुद ही पाल लो, लेकिन नहीं, आजकल के माँ बाप से तो एक बच्चा नहीं पलता। सैनी साहब हजरत निजामुद्दीन पे दही बल्ले की रेडी लगाते थे, 3-3 औलादे पाली है मैंने, उनको अपने साथ ले जाता था। लोग बोलते थे बल्ले ये किसके बच्चे ले आया, मैं बोलता था जी अपने ही ले आया। रेडी के नीचे चुन्नी बांध के बच्चों को सुलाता था, उसमें ऊपर बल्ले बिकते थे नीचे बच्चे पलते थे। और कौन समझाए आजकल के माँ बाप को? बाबूजी ये देखो क्या हो गया, चोट वोट लग गई क्या तुम्हें? ये बाबूजी थोड़ा ले दे के थोड़ा। ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो तुम? ऊपर करो, बंद करो अपनी दुकान, पल्लू ऊपर करो। क्या कर रही हो तुम, क्या समझा तुमने मुझे? बोला था अपने बहू बेटे को मैंने किसी को भी रोड से उठा के भल्ला निवास में मत बैठाओ नौकरानी बना के, लेकिन नहीं मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है। मेरे बच्चे का गला दबा के सारा कमन समेट के भाग गई तुम, कहां ढूंढता फिरूंगा मैं तुम्हें? बाबूजी पुलिस नहीं, बाबूजी रहे मैं चुपचाप लियो मत यहाँ से। बाबूजी आओ सर आओ, ये देखो यही है सर वो लड़की। सब अच्छा हुआ आगे ये आदमी हम पे झूठा नाम लगाया और ये गंदे गंदे काम की आपका बच्चा ला। Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.